एक्शन। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नमस्ते स्वाद पे। आज हम फिर से एक रेसिपी बनाएंगे जिसमें हमें कुकिंग की जरूरत नहीं, मतलब नो फायर कुकिंग। और वो रेसिपी का नाम है कॉर्न चीज बाइट। तो चलिए हम उनके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। तो उसके लिए हमें लगेगा मेल्टेड बटर, 2 स्लाइस लिए हुए हैं जिसके एजेस मैंने काट दिए हैं, ये है गार्लिक और चिली को फाइनली चॉप किए हुए, आप देख सकते हैं एकदम फाइनली चॉप्ड है। देन कैप्सिकम को पीसीस में कट किए हुए हैं, आपको इन्हीं पीसीस में कट करने हैं, इससे ना बड़े ना छोटे। ये कॉर्न है जिसको हमने बॉईल कर दिए हैं, एंड आप ये देख सकते हैं ये चीज स्लाइस है, और ये चीज स्लाइस साइज हमने ये कंपनी की ली हुई है। हमारा सजेशन है कि यही कंपनी का लीजिएगा क्योंकि उससे बहुत ही यम्मी बनते हैं ये कॉर्न चीज बाइट्स। पहले हमें एक लेना है एक एम्प्टी बाउल जिसमें हम लोग मिश्रण मिक्स करेंगे, और वो पहला रहेगा मेल्टेड बटर जो कि मैंने लिया हुआ है 1 टेबल स्पून, वो पूरा हम इसमें डाल देते हैं। देन उसके बाद हम लोग लेंगे गार्लिक और चिली जिसको एकदम फाइनली चॉप किए हैं, और वो ऑलमोस्ट अराउंड 1 टेबल स्पून जितना हम लेंगे, और उसमें मिक्स करेंगे अच्छे से। ये हमारा मिक्सचर तैयार हो गया, उसको साइड में रख देते हैं। इसके बाद हम लोग स्लाइस ब्रेड रहते हैं जिसके एजेस हमने ऑलरेडी कट कर दिए हैं। दर्शकों, इसके बाद की रेसिपी मैं आपको दिखाऊंगी जो एजेस कट किए हुए हैं स्लाइस ब्रेड के, उसके साथ हम क्या बना सकते हैं। अभी ये मिक्सचर हमने लिया हुआ है, वो हमें इसे इवनली स्प्रेड करना है। आप इसमें कम तीखा चाहते हो तो कम मिर्ची और गार्लिक डालना, अगर आपको ज्यादा पसंद है तो आप उसमें एड ऑन भी कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं पूरी एक स्लाइस में ये हमारा मिश्रण चला गया है। इसके बाद हम लोग चीज लेंगे जो डी लैक्टा का है, और वो बहुत ही बेहतरीन है, इससे उसकी स्वाद बहुत अच्छा आता है। ये प्लेस कर लेंगे हम हमारे ब्रेड के ऊपर, फिर उसके बाद हम इवेंटली कॉर्न को उसके ऊपर डाल देंगे। कॉर्न जैसे भी पहले मैंने बताया हुआ था कि आपको कि ये बॉइल कॉर्न है, फिर इसके ऊपर हम फिर से ब्रेड डाल देंगे। आप देख सकते हो कि हमने हमारा मिक्सचर डाला है, इसके ऊपर चीज स्लाइस डाली है, फिर कॉर्न डाला हुआ है, और हम इसको अभी ब्रेड स्लाइस के साथ बंद करते हैं। हम इसको 4 पीसेस में कट करेंगे। ये इवेंटली 4 पीसेस में कट हो गया है। हम इसके ऊपर कैप्सिकम डालेंगे जो कि बेल पेपर हम बोलते हैं, टूथपिक लेंगे, इसको इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे बाइट्स तैयार हो गए हैं, जिसके लिए हमें कुकिंग की जरूरत नहीं लगी है, ना ही उसे कुछ पकाने के लिए हमने किसी और इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया है। ये एकदम ही क्विक है, इजी है, और बच्चे लोग के लिए इजी इवनिंग स्नैक्स में, टिफिन्स में हम दे सकते हैं। आप चाहिए तो इसको इंसर्ट करके और एक बेल पेपर डाल सकते हो। And this is ready. We have put 2 bell papers and 1 wrap. If you like more, आपको अच्छा लगता है bell paper, तो आप बड़ा piece डाल सकते हो। Generally छोटा यहाँ पे स्वाद के अनुसार जाएगा। चलो आइए टेस्ट करते हैं हमारा कॉर्न चीज बाइट, और जो कि बहुत ही कम समय में ये बन के तैयार हो चुका है। दर्शकों, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा, और आप पहली बार हमारी चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आपको नए एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो लेट्स टेस्ट आवर कॉर्न चीज बाइट।
टेस्ट बहुत ही डिलीशियस है। कॉर्न, बटर, गार्लिक और चिली का चारों का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। बेल पेपर भी अच्छे उसके साथ कॉम्बिनेशन में जाते हैं, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पर।